हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो प्री एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2019 को, तो उसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेंस के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो मेन्स का क्वेश्चन पेपर है। और साथ ही जो है आप अपने अपने मार्क्स जो है शेयर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि जो हम जो है कट ऑफ के लिए जा सके। तो क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2 आवर्स का टाइम पीरियड था और 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एचपीजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है द स्टेट ट्री ऑफ एचपीज, हिमाचल का राज्य वृक्ष क्या है? क्या है? देवदार, ऑप्शन सी स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है वॉलीबॉल, ऑप्शन ए। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज, तो 2011 के जनसंख्या जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 123% पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी। नलवारी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो नलवारी मेला जो फेमस रहता है वो बिलासपुर का रहता है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा। हाथीदार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बात करें हाथीदार की तो हाथीदार जो रेंज रहती है वो है चंबा जिले में, ऑप्शन ए। चबूतरा हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है, ऑप्शन डी। बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश, तो बाणगंगा जो है हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है कांगड़ा जिले में, ऑप्शन सी। पू सब डिविजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पू सब डिविजन की बात करें तो ये किन्नौर जिले में है, ऑप्शन बी। हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बात करें हालदा त्यौहार की तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति जिले में, ऑप्शन डी। डॉक्टर वाइस परमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वाइस परमार हिमाचल प्रदेश के जो है सिरमौर जिले से संबंधित है, ऑप्शन ए। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांचीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर, तो पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो प्रथम अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था 1989 में जयदेव किरण को, ऑप्शन बी। ओल्डेस्ट पेंटिंग स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है वो है बसोली शैली, ऑप्शन सी। विच इज लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश को है 3 प्रशासनिक मंडलों में डिवाइड किया गया है, मंडी, शिमला और कांगड़ा। तो इसमें जो है मंडी डिवीजन जो रहता है सबसे बड़ा डिवीजन रहता है, इसके अंडर 5 जिले आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वाज, बैजनाथ के पुराने नाम की बात करें तो उसका नाम था कीरग्राम, ऑप्शन डी। हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन, तो चंबा टाउन के जो फाउंडर है वो है साहिल वर्मन, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है 68 है, ऑप्शन डी। हु कमांडेड द मुगल फोर्सेज विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD, तो 1620 AD में जो है कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था नवाब अली खान ने, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन विच सेंचुरी वॉज द मंडी स्टेट फाउंडेड, तो मंडी राज्यों की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो मंडी राज्यों की बात करें तो इसकी स्थापना की थी बाणसेन ने लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी में, तो 14th सेंचुरी इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी। वैन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गांधी जी पहली बार शिमला आए थे 1921 में, ऑप्शन ए। हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी एट पुरानी मंडी, तो मंडी का शिवरात्रि मेला जो पुरानी मंडी में किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था अजबर सेन ने, ऑप्शन बी। टोटल लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन इज, तो कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई की बात करें तो ये रहती है 96.5 किलोमीटर। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सुकेती जीवाश्म उद्यान जो है सिरमौर जिले में है, ऑप्शन डी। सेंट्रल प्रोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये शिमला जिले में है, ऑप्शन ए। संजय विद्युत परियोजना इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है, ऑप्शन सी। हु रोट द बुक लाजो, तो लाजो पुस्तक किसने लिखी है? तो लाजो जो लिखी है वो लिखी है शांता कुमार ने, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट आता है इंग्लिश पोर्शन, तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 42-44 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहला रहता है, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी, द जज रिकमेंडेड अ सेवर पनिशमेंट सो दैट ही डेजिस्टेड फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इनकम डिस्पेरिटी वाइडन्ड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। नेक्स्ट इज, कॉइन्स आर मेड इन द मिंट। ऑप्शन ए, शी वॉज स्टैंडिंग अमंग अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस, तो उसमें जो है करेक्ट मीनिंग देखना है। पहला रहता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, तो उसका रहता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। नेक्स्ट है टू मीट वन हाफ वे, इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन बी, टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज विद वन। नेक्स्ट है टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका जो रहता है वो रहता है टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर। नेक्स्ट इज नाइगर इन द वुड पाइल, इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन डी, समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट है टू हैव अ जॉन्डिस आई, इसका रहता है टू बी प्रीजुडाइस यानी कि पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट रहते हैं 52-54 रहते हैं, इसमें जो है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है फीबल, फीबल की बात करें, फीबल का मतलब रहता है कमज़ोर, तो इसका आएगा रोबस्ट यानी कि मजबूत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है घास्टली, घास्टली का रहता है भयंकर, तो उसका आएगा ऑप्शन ए प्लीजेंट। नेक्स्ट है कर्ब, कर्ब का रहता है रोकना, तो इसका आएगा इनसाइट यानी कि उत्तेजित करना, ऑप्शन बी। ओवर्ट, तो ओवर्ट का रहता है प्रकट या प्रत्यक्ष करना, तो उसका आएगा सीक्रेट छुपाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डेविएट, डेविएट है किसी को हटाना रास्ते से या हटना, तो उसका रहेगा कन्फर्म यानी कि किसी के अनुरूप चलना, ऑप्शन बी। हिंदी पोर्शन की बात करें, तो रहते हैं पहले संधि विच्छेद के 3 क्वेश्चन, तो पहला है प्रारंभ का संधि विच्छेद, तो उसका आएगा ऑप्शन ए प्र जमा आरंभ। नेक्स्ट है नयून, इसका आएगा ऑप्शन सी नी जमा ऊन। नेक्स्ट है अजंत, अजंत का आएगा अच जमा अंत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द की बात करें, तो पहला रहता है देहिक, ऑप्शन बी। सेकंड में जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन ए रणभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑप्शन सी टिप्पणी, और 61 में है ऑप्शन डी विशिष्ट। नेक्स्ट है सही समास चुनिए, सही समास की बात करें, तो पहला आता है पंचपात्र, पंचपात्र की बात करें तो उसका है द्वंद्व। अनिष्ट की बात करें तो उसमें है तत्पुरुष समास, और गजानंद में है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिस्ट्री पोर्शन, तो इसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था, यानी कि पोर्ट टाउन कौन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा था, लोथल था गुजरात में, ऑप्शन सी। द टर्म नियोलिथिक इज ड्राइव फ्रॉम, तो नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक वर्ड जो लिया गया है ये ग्रीक वर्ड है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वैदिक इकोनॉमी, तो वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एग्रीकल्चर की, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो किस में शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था, तो किस में था वत्सा में, ऑप्शन सी। इन वज्रयाना बुद्धिज्म द स्पोज ऑफ द बुद्धा बोधिसत्व वाज नोन एज, तो वज्रयान बोध शाखा में बुद्ध बोधिसत्व की जो पत्नी कहलाती थी वो कहलाती थी तारा, ऑप्शन सी। फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स, तो किस समुदायों से जैन धर्म के ने सबसे सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए थे, तो सबसे ज़्यादा जो अनुयायी थे वो थे मर्केंटाइल कम्युनिटी यानी कि व्यापारी समुदाय से, ऑप्शन ए। द क्वीन एडिक्ट ऑफ अशोका इज आल्सो नोन एज, तो अशोक के महारानी राजाज्ञा फरमान यह भी कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन सी माइनर पिलर एडिक्ट 3, लघु स्तंभालेख 3। द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वाज ओपन बाई विच अम्पायर, तो जो इंडिया और भारत और ग्रीस के बीच जो मध्य और लाल सागर मार्ग जो है किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था, तो ये खोला गया था रोमन साम्राज्य द्वारा, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द गुप्ता एम्पायर वर्दा, तो गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे कुमार अमात्याज, ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग अलाउड द मुस्लिम टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन दियर एम्पायर, तो निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की थी, तो किसने प्रदान की थी, राष्ट्रकूटाज ने, ऑप्शन डी। बिफोर बिकमिंग द एम्परर बलबन वाज अ डेप्यूटी ऑफ, तो सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था, तो किसके अधीनस्थ था, नसीरुद्दीन महमूद के, तो नसीरुद्दीन महमूद जो है इल्तुतमिश के बेटे थे।
नेक्स्ट है अ न्यू टेक्निक ऑफ नेक्स्ट है व्हाट इंस्पायर्ड द मराठाज टू फाइट द फाइट अगेंस्ट द रूलर्स इन दिल्ली. तो किसने दिल्ली के शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया था? तो राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म ने उनको प्रेरित किया था. अ न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग नोन एज स्याही कलम बिकम फैशनेबल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ. तो चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम के नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई थी? तो ये प्रचलित हुई थी शाहजहां के शासन के दौरान. ऑप्शन बी. हाउ मनी इनकर्जन्स डिड महमूद ऑफ गजनी मेड इन इंडिया. तो भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए थे? तो उन्होंने 17 आक्रमण किए थे. ऑप्शन सी. इन विच ईयर वॉज द रियोतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड. तो रियोतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1820 में. ऑप्शन ए. व्हाट वॉज द एम्फेसिस लेड ऑन इन ऑल रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो जो सभी सुधारवादी आंदोलन हुए थे तो उन्होंने जो है किस पर जोर दिया था? तो उन्होंने जोर दिया था रिलीजियस रिफॉर्म प्लस सोशल रिफॉर्म्स. तो उसमें बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर आएगा. द अनेक्सेशन ऑफ अवध बाई द ब्रिटिश टुक प्लेस इन विच ईयर. तो ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? तो 1856 में जो है अवध को जो है विलय हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वॉज डोमिनेटेड बाई द. तो 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका वर्चस्व था? तो 1905 तक जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो डोमिनेट करते थे वो थे मॉडरेट्स. ऑप्शन ए. ऑन विच डेट डिड गांधी जी मेक हिज फेमस मार्च टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी? तो उसमें जो है सारे ऑप्शन जो है गलत है. ये स्टार्ट की थी गांधी जी ने अप्रैल मार्च 12, 1930 को. तो मार्च 12, 1930 इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेबल प्लान वॉज गिवन इन विच ईयर. तो वेबल योजना दी गई थी 1945 में. ऑप्शन सी. मोरेंस एंड टिल आर एग्जाम्पल्स ऑफ. तो मोरेंस और टिल की बात करें तो ये किसके उदाहरण है? ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि हिमानी अवसादी चट्टानों के. अर्थक्वेक्स आर नॉट लाइकली टू अकर. तो भूकंप प्राय नहीं आते हैं. तो भूकंप प्राय जो नहीं आते हैं वो ब्राजील में नहीं आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविएटर ऑफ जेट एरोप्लेन ऑफन अवॉइड द ट्रोपोस्फीयर एंड फ्लाई अबाउट इट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. तो जेट वायुयानों के चालक प्राय क्षोभ मंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं जिसका कारण है. तो उसका कारण रहता है ट्रोपोस्फीयर में जो प्रेजेंट रहते हैं बम्पटी एयर पॉकेट्स यानी कि उबरे हवाई गर्त. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोलड्रम इज अ जोन ऑफ. तो विषुव प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? तो ये रहता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र. डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशीन रिजिज एग्जिस्ट इन विच ओशीन. तो डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो ये है अटलांटिक ओशीन में प्रेजेंट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉकलैंड ओशीन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ कोस्ट ऑफ. तो फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट में बहती है? तो ये बहती है साउथ अमेरिका के साउथ ईस्ट में. तो ये जो है कोल्ड करंट है. विच सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेज. तो कौन सी मृदा लंबी घास की विधि के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? प्रेरी सॉइल, प्रेरी मृदा. ऑप्शन बी. आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज द रिजल्ट ऑफ. तो बिहार से पंजाब में लोगों का जो प्रवजन परिणाम है तो ये किसका परिणाम है? पॉवर्टी का. बिहार में जो है पॉवर्टी है जिसके कारण जो है लोग बिहार से पंजाब को मूव हो रहे हैं. नेक्स्ट इज द मसाईज मेनली रियर. तो मसाई मुख्य पालते हैं. मसाई की बात करें तो ये रहते हैं अफ्रीकन नेशंस में. तो ये पालते हैं कैटल यानी कि मवेशी. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट पल्यूट द एनवायरमेंट. तो ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो वाटर जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है. ऑप्शन ए. द कैप रूट प्रोवाइज लिंक बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड. तो कैप रूट जो है पश्चिमी यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है. तो ये फार ईस्ट और वेस्ट यूरोप के बीच जो है लिंक प्रोवाइड करता है. ऑप्शन बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? तो किस क्षेत्र में है? स्टेपी. ऑप्शन डी मानसून टाइप में. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है. द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज. तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट फेड बाई द स्नो फील्ड नोन एज हिमाल.
तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है? तो गंगा, यमुना और गंडक नदी जो है इसके द्वारा पोषित होती है, और गोदावरी जो इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विच रीजन इज फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया? तो कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधी चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? तो कोरोमंडल कोस्ट इसका सही आंसर आएगा। इन इंडिया डाइल्यूवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन? तो भारत में आपलावी वन पाए जाते हैं सुंदरबन में, ऑप्शन बी। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ? तो कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? कौन सी फैली हुई है? अरावली रेंज, ऑप्शन ए। खारागोड़ा इज द लीडिंग सेंटर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री ऑफ? तो खारागोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? तो ये रन ऑफ कच्छ में है, ऑप्शन ए। आगरा कैनाल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच रिवर? तो आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो ये यमुना नदी से जल ग्रहण करती है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेप क्रॉप? तो बार्ले जो है क्रेप क्रॉप नहीं है, राइस ज्वार सीसम जो है क्रेप क्रॉप्स है। बाई कैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? तो फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था का ये एग्जाम्पल है, यानी कि फीचर है, ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू की जी के द्वारा, ऑप्शन ए। विच लैंग्वेज इज नॉट मैंशनड इन इट्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इंग्लिश जो है नहीं है, 22 लैंग्वेज है इट्स शेड्यूल में, उसमें इंग्लिश नहीं है, बाकी की संस्कृत सिंधी और नेपाली है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देर इन यूनियन लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो 3 लिस्ट रहती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो अभी है 97 जो है सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो आर्मी जो है राज्य का तत्व नहीं रहता है, गवर्नमेंट, लैंड और पॉपुलेशन राज्य का तत्व है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाई द पार्लियामेंट विद? तो भारत में नए राज्य का गठन अगर संसद द्वारा जो है सिंपल मेजोरिटी द्वारा किया जाता है, यदि कोई नई स्टेट बनानी है तो उसके लिए जो है सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, ऑप्शन ए। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बात करें राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, तो ये भारत के जो है संविधान 21 के अंडर आता है, संविधान 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो पार्लियामेंट जो है रोक लगा सकता है नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार की बात करें तो एक लीगल राइट है, तो उसको जो है 44th Amendment Act 1978 के द्वारा राइट जो रहते हैं फंडामेंटल राइट्स उसे हटा दिया गया था। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है 2 बार जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ऑप्शन डी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन? तो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो भारत के महान्यायवादी की, तो उनको जो है सुनवाई का अधिकार है, तो वो जो है एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो भारत के क्षेत्रगत किसी भी विधिक न्यायालय में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसी भी हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आता है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? तो भारत में राज्यों का कार्यकारी प्रमुख रहता है प्रेजिडेंट, ऑप्शन बी। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिजॉल्व द राज्यसभा? तो राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है? प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ दीज? तो राज्यसभा जो है परमानेंट रहती है, तो राज्यसभा को कोई डिजॉल्व नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो निम्नलिखित में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष ही थी, ऑप्शन ए, 2009 से 2014 तक। हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट? तो भारतीय संसद में वित्त बजट जो है सामान्य तौर पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रस्तुत करता है, ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन ऑफ गोवा इज? तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 2 है, ऑप्शन बी। विच स्टेट हैड नेवर अ लेडी चीफ मिनिस्टर? तो
तो किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, नहीं बनी है? तो महाराष्ट्र में जो आज तक कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु में जो है महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये स्थापित हुआ था संविधान द्वारा, ऑप्शन ए। विच एंश्योर्स ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेजिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो कितनी बार जो है राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 1962, 1971 और 1975 में। नेक्स्ट है, द चेंज ऑफ पोजिशन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, तो किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन कहलाता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, तो ऊष्मा की एसआई इकाई है जूल, ऑप्शन बी। द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर, तो एक स्ट्रिंग के जो कंपन होता है तो उसमें जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होती है, ऑप्शन बी। द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर, तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो होती है ऑल ऑफ दीज, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों प्रकार की रेडिएशन एमिट करते हैं। द इंटरस्टेलर मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अंतरा तारकीय पदार्थ प्रमुख निम्न में से किससे बना होता है? तो ये हाइड्रोजन से बना होता है मुख्यतः। श्री हरिकोटा द साइट ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, तो जो श्री हरिकोटा जो रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल है वो किस राज्य में है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी। ऑयल और सोप फिल्म व्हेन सीन इन डेलाइट अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ, तो दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है जिसका कारण है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। नेक्स्ट है, फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन एंड फॉग और ड्राइवर शुड यूज एडिशनल, तो वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त अतिरिक्त येलो लाइट यानी कि पीला प्रकाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्साइड ओर, तो ऑक्साइड जैसा का जो उदाहरण रहता है वो रहता है बॉक्साइट, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन बर्न्स विद, तो हाइड्रोजन जलती है ब्लू फ्लेम के साथ यानी कि नीली ज्वाला के साथ, ऑप्शन सी। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, तो कार्बनिक यौगिकों में जो हमेशा होता है वो जो है कार्बन होता है, ऑप्शन ए। विच ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? तो क्रूट ग्लास यानी कि टेढ़ा ग्लास जो है टेढ़ा कांच जो है उपयोग होता है, ऑप्शन ए। डबल मोड ऑफ रेस्पायरेशन इज फाउंड इन, तो डबल मोड यानी कि श्वसन का दोहरा प्रकार पाया जाता है घोंगा यानी कि स्नेल में। कंगारू इज मोस्टली फाउंड इन, तो कंगारू जो अधिकांशतः पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ फैट सॉल्युबल विटामिन इज, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन डी रहता है फैट सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन बी और सी रहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। द रिजर्वियर ऑफ RBCs, तो RBC का भंडार गृह है बोन मेरो, ऑप्शन बी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बेस ऑफ, तो पीयूष ग्रंथि डैश के आधार पर स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ वायरल डिजीज, तो निम्नलिखित रोगों में से कौन सा विषाणुक रोग है? तो जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वायरल डिजीज है, तो ये इसका सही आंसर है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? तो मेल जो क्रोमोसोम रहते हैं सेक्स क्रोमोसोम वो रहते हैं XY और फीमेल के रहते हैं XX। एंड आउटपुट एज आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो ये इकोनॉमिक सेक्शन है, तो उत्पादन बढ़ने पर जो औसत औसत स्थिर लागत जो है वो घटती है, तो ऑप्शन बी। अ सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स इज टर्म्ड एज, तो वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती है कहलाती है, यदि बहुत सारी फैक्ट्रीज है तो एक ही प्रकार का जो सामान बनाती है तो उसे कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑप्शन ए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, तो भारत में पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण है स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन बी। इंडियन इकोनॉमी इज एन, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन डी। द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर वैन देयर प्राइसेस राइज आर कॉल्ड,
तो वह वस्तुएं जिसकी जिसका लोग कीमतें बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं, कहलाती हैं, तो उन वस्तुओं को बोलते हैं गिफिन गुड्स, यानी कि गिफिन वस्तुएं। इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी, तो मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की जो आपूर्ति रहती है वो जो है इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ेगी। फर्स्ट इनकम कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो फर्स्ट जो आय समिति बनी थी वो बनी थी 1949 अगस्त में। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडी फाइनेंस इज डन बाई, तो रेमेडी फाइनेंस यानी कि उपचार वित्त किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई, तो निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की प्रतीक पर है, तो टाइगर इसका सही आंसर रहता है। विच इज योर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कौन सा विकास व्यय है, तो इरिगेशन एक्सपेंडिचर यानी कि सिंचाई व्यय जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ऑप्शन बी। विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ा कर प्रदायक क्षेत्र है इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो दियर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, तो विदेशी देशों में वस्तुओं को उनकी घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है, तो ये कहलाता है डंपिंग, ऑप्शन बी। एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड ऑन, तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है सेल्स ऑफ गुड्स पर, यानी कि वस्तुओं के विक्रय पर। प्लेन हॉलीडे वाज डिक्लेयर आफ्टर विच 5 ईयर प्लान, तो प्लेन हॉलीडे की बात करें तो ये डिक्लेयर हुआ था 3rd 5 ईयर के प्लान के बाद, यानी कि 1966 से 1969 तक, तो ऑप्शन सी का सही आंसर आता है। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, तो निफ्टी की बात करें तो ये आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ऑप्शन सी। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई, तो भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है, तो ये होता है इरडा के द्वारा, ऑप्शन ए। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर क्रिएटेड बाई, तो विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो IMF इसका राइट आंसर है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एट, तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है, ये स्थित है न्यू दिल्ली में, 1963 में बना है, बना था। नेक्स्ट है रीजनिंग सेक्शन, तो पहला आता है जैसे कि नाविक का संबंध है कंपास से, उसी तरह डॉक्टर का संबंध है स्टेथोस्कोप से, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें जो है कौन सा अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन सी जो है डिफरेंट है, बाकी जो ऑप्शन है उनमें जो है कंटिन्यू सीरीज है, जैसे कि PQR, ST, LMNOP और DEF, GH, इसमें जो है M मिसिंग है, तो इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट दिया है कोड, तो इसमें जो है गिव को लिखा गया है VIEG में और ओवर को लिखा गया है EVRO में, तो डिस्को को कैसे लिखेंगे, इसकी बात करें तो इसमें जो कोड दिया गया है कोडिंग है, फर्स्ट वर्ड को लिखा गया है 4th नंबर पे, सेकंड वर्ड को लिखा गया है 2nd नंबर पे, और थर्ड को लिखा गया है 1st पे, और फोर्थ वर्ड को लिखा गया है अल्फाबेट को 3rd पे, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा SIKD। विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द नंबर सीरीज, तो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस सीरीज की बात करें इसमें जो फॉर्मूला यूज है वो है जैसे कि 5 को गुणा किया है 2 से, फिर 1 ऐड किया गया है, 5 × 10 + 1 = 11, 11 × 2 = 22 + 1 = 23, तो इसमें आएगा 95 × 2 यानी कि 190 + 1 = 191। नेक्स्ट है मिसिंग लेटर इन द लेटर सीरीज, तो इसमें सीरीज दी है तो इसमें जो है मिसिंग लेटर क्या आएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी। इसमें जो कोडिंग है वो है 4 4 वर्ड्स की, जैसे कि ACBD CADB, ACBD CADB, ACBD, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडे इन अ 30 डेज मंथ बिगनिंग ऑन संडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ, तो शनिवार से प्रारंभ होगा 30 दिन का एक माह, तो उसमें जो है प्रत्येक दूसरा यानी कि प्रत्येक दूसरा शनिवार और सभी रविवार में अवकाश रहेगा, तो उस माह में कितने कार्यकारी दिवस रहेंगे, तो उसमें जो वर्किंग डेज रहेंगे 23। इफ 5 × 4 = 15, 7 × 8 = 49 एंड 6 × 5 = 24, देन 8 × 4 = इसकी बात करें इसमें जो है जैसे कि 5 × 4, इसमें -1 लिया गया है, 5 × 3 = 15, 7 × 8, 8 में से 1 डाया है, 7 × 7 = 49, वैसे आएगा 8 × 4 यानी कि 8 × 3 = 24, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड अस्थमा डे, तो वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करें इसकी जो थीम थी वो थी स्टॉप फॉर अस्थमा। नेक्स्ट है INS रंजीत विच इज रिसेंटली डी कमीशन बाई इंडियन नेवी वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो INS रंजीत जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने
निर्मित किया, किस देश द्वारा निर्मित था? तो ये USSR द्वारा निर्मित था। रिसेंटली पब्लिश्ड बुक गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स? तो गेम चेंजर जो है किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ द 2019 G7 समिट? 2019 G7 सम्मेलन की वर्तमान पीठ कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? फ्रांस। विच इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हैज अटेन्ड द वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन इन द वुमन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व नंबर एक स्थिति हासिल की? तो किसने की है? अपूर्वी चंडेल ने, चंदेला ने, ऑप्शन सी। विच साउथ अमेरिकन नेशन हैज रिसेंटली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से जुड़ा? तो कौन सा देश जुड़ा? बोलीविया, ऑप्शन डी। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बिन कन्फर्म द UAE's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल रिसेंटली? तो किस भारतीय व्यक्ति को हाल ही में UAE की सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी को, लेकिन आंसर की में दिया है शाहरुख खान। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डेविड मालपास को। नेक्स्ट है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली ड्रॉप्ड एन एक्सप्लोसिव ऑन एस्ट्रॉयड रियागो टू मेक क्रेटर रिसेंटली? तो किस देश ने किया ये? जापान ने, ऑप्शन सी। विच इंडियन आर्म फोर्स हैज रिसेंटली टाइड अप विद CSIR फॉर जॉइंट रिसर्च? तो किस भारतीय सशस्त्र सेना ने हाल ही में संयुक्त अनुसंधान के लिए CSIR के साथ गठबंधन किया? तो किसने किया? इंडियन नेवी ने, ऑप्शन ए। इसाक हायक हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोकर प्लेयर इज फ्रॉम विच कंट्री? इसाक हायक जो विश्व के सबसे अधिक उम्र वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने किस देश के हैं? तो ये इसराइल के हैं, ऑप्शन डी। IBI हैज रिसेंटली ट्वीक्ड LCR नॉर्म्स टू बूस्ट लिक्विडिटी। व्हाट डस LCR स्टैंड फॉर? तो RBI ने हाल ही में तरलता बढ़ाने के लिए LCR मानक शोधित किए। LCR का तात्पर्य है, तो LCR का तात्पर्य है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर NRIs? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में NRI के लिए कागज रहित खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो किस बैंक ने की है? IDBI बैंक ने, ऑप्शन सी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 140th, ऑप्शन बी। अमर पॉल हु पास अवे रिसेंटली वाज द लेजेंडरी फोक सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज? तो अमर पॉल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस भाषा के पौराणिक लोकनायक थे? तो ये बंगाली भाषा के से संबंधित थे, ऑप्शन सी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।